हेलो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आज हम फील्ड में पीएसटी टेस्ट करने वाले हैं। ये पोजिशनर का मॉडल नंबर है DVC6200। ये फिशर कंपनी का है। हमारे पास ट्रैक्स कम्युनिकेटर है जो हमने पोजिशनर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आज हमको आपको दिखाएंगे कैलिब्रेशन करके और स्ट्रोक चेक करके। तो मेरे साथ बने रहिए और ये देखते रहिए वीडियो। ट्रैक्स ऑन किया है हमने। इसमें एक एप्लीकेशन है वाल्व लिंक, उसको हम लोग ओपन करेंगे। ये फाउंडेशन फिल्बस का पोजिशनर है तो इसमें मल्टीपल टैग के ओपन होंगे, जो सेगमेंट में जितना यूज किया होगा उसमें वो वाल्व है, उसमें इसका नंबर आएगा। फिल्बस को सेलेक्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फिर में कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टैग सर्च हो रहा है। टैग सर्च हो गया, इसमें दो टैग मिल रहा है हमको, दो पोजिशनर का। तो इसमें हमने जिसमें कनेक्ट किया उसका नंबर एक बार देख लेंगे। टैग नंबर, ये टैग प्लेट पे टैग नंबर लिखा हुआ है 1056। तो हम लोग यहाँ से 1056 को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट, कनेक्ट भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। अभी डन करेंगे। नो करेंगे, यहाँ पर एग्जिट नहीं होना भाई। अभी यहाँ पे कैलिब्रेशन का ऑप्शन देख लीजिए। थोड़ा धूप है तो स्क्रीन साफ नहीं दिख रहा है आपको। फील्ड में हम लोग हैं अभी। ये सेटअप देख लीजिए, सेट ऑटो ट्रैवल है, मैनुअल ट्रैवल है। ऑलरेडी मैनुअल में हम लोग सेलेक्ट करने के बाद ही इसमें जो करना है कर सकते हैं। बाकी ऑटो मोड में हम लोग स्ट्रोक चेक नहीं कर सकते हैं, पीएसटी टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। 25 देके देखता हूँ क्या स्टेटस है भाई इसका। वाल में एक फीडबैक स्केल लगा रहता है, उसके साथ भी हम लोग को मैच करना रहता है कि हमारा स्केल 25 दिया था, 25 पे आया है कि नहीं, और हमको कम्युनिकेटर में 25 मिल रहा है कि नहीं। सेवेंटी फाइव में 73 मिल रहा है, फिर भी चला गया। 75 में 76 चलेगा, 74 चलेगा, एक दो पॉइंट इधर उधर होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ज़रूरी नहीं कि 75 भी आते तो 75 ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो पॉइंट चलता है। ठीक है, अभी इसको कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन जाएंगे, ऑटो ट्रैवल में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको स्टैंडर्ड रहने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। कैलिब्रेशन चालू हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा।
ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्टिंग आउटपुट वायर ट्रैवलिंग, ये एडजस्टिंग आउटपुट है 50% में, 50% एडजस्ट होने के बाद ये हो जाता है, डन हो जाता है। उसके बाद ओके हो गया, मूव टू नाउ मूव कर देंगे। अभी ये शॉप चेक कर लेते हैं, जीरो है, जीरो 25 से तो 25 में क्या मिल रहा है भाई, ट्वेंटी एट ओके बराबर 26 तो सही है, चलेगा। 50 देख देख लेते हैं, सही है 50 में, और क्या चाहिए, 50 में 50 में गया। ओके 100 बनाने में चलेगा, आप चाहे तो फिर से वापस अप और डाउन दोनों में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हम लोग स्ट्रोक चेक करते हैं, पीएसटी टेस्ट करते हैं, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। रिमूव होने से पहले आप लोग इसको ऑटो करके उसके बाद वाल्व बिलिंग से बाहर निकले। ठीक है, ओके, थैंक यू।